दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। बात करेंगे दोस्तों मारुति सुजुकी कंपनी की पेपी इंजन के साथ आने वाली फैमिली छोटी कार यानी कि स्विफ्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर है इंडियन मार्केट में, काफ़ी कस्टमर्स इसको खरीदते हैं। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि नवरात्रि ऑफर इस पर काफ़ी शानदार आए हैं, आपको काफ़ी मोटी बचत इस गाड़ी पर हो सकती है अगर आप इसको इस समय में खरीदते हैं। दोस्तों मैं बताऊँगा इस वीडियो में इस गाड़ी पर डिस्काउंट ऑफर अभी के समय में क्या चल रहे हैं। दोस्तों कैश में अपडेट में इसकी प्राइस क्या है, सभी टैक्सेस के बारे में बात करेंगे जैसे कि इस पर जीएसटी कितना लगता है, सेस कितना लगता है, इसकी एक्सोरूम प्राइस क्या है, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस क्या होंगे, इंश्योरेंस का खर्चा कितना लगेगा, ये कैश में आपको ओवरऑल कितने की पड़ेगी। दोस्तों अगर आप इस पर एक्सटेंडेड वारंटी का प्लान लेते हैं यानी कि ऑप्शनल पैकेजेस का प्लान भी आपको बताऊँगा, और अगर आप इसको फाइनेंस भी कराते हैं यानी कि अगर आपका बजट कम है तो मैं आपको फाइनेंस की डिटेल भी इसकी आसान बताऊँगा जिससे कि आप इसको आसानी से किस्तों पर भी खरीद पाएंगे। दोस्तों बैंक ऑफर बताऊंगा जो कि नवरात्रि ऑफर के साथ कम से कम ब्याज दर पर कार लोन फाइनेंस कर रहा है अपने कस्टमर्स के लिए। और दोस्तों मैं आपको पर मंथ की किस्त के साथ टोटल ब्याज की जानकारी भी दूंगा। तो पहले जानते हैं इस गाड़ी का कैश प्राइस अपडेट में क्या चल रहा है। तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो कि हमने इसका ये VXI ऑटोमेटिक यानी कि AMT वाला वर्जन लिया है। और दोस्तों हम बात करने वाले हैं कीमत की हरियाणा के गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव सिटी के प्राइस के बारे में। तो इसकी एक्सोरूम प्राइस अपडेट आपको मिलेगी अभी के समय में 7,32,000 रुपये। और दोस्तों इस कीमत में 28% GST का अमाउंट और 1% सेस का अमाउंट जुड़ा हुआ है। रजिस्ट्रेशन यानी कि RTO की बात करें तो इसके लग जाएंगे 60,210 रुपये। इंश्योरेंस का खर्चा पड़ेगा आपको 41,550 रुपये का, फास्टैग और हाइपोटेसिकन के 2,000 बैठते हैं टोटल। और दोस्तों VXI AMT आपको स्विफ्ट का पड़ेगा टोटल कैश में 8,35,760 रुपये का। ये हो गई है दोस्तों इस गाड़ी की कैश कीमत। अब बात करेंगे डिस्काउंट ऑफर की। पहले तो दोस्तों स्विफ्ट के ऑटोमेटिक वर्जन पे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा 35,000 का, और दोस्तों 15,000 का आपको एक्सचेंज यानी कि पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कराने पर 15,000 की ओवरऑल और छूट और हो सकती है। दोस्तों टोटल आपको लगभग 50,000 रुपये तक का बेनिफिट इस समय में आपको हो सकता है। अब बात करेंगे ऑप्शनल पैकेजेस की। तो अगर मान लीजिए अगर आप इसकी 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी लेंगे तो आपको पड़ जाएंगे 12,618 रुपये। और दोस्तों एसेसरीज का पैकेज भी अगर आप लेंगे, MGA बेसिक किट यानी कि मारुति की जेन्युइन एसेसरीज का बेसिक लेते हैं तो एसेसरीज आपकी टोटल बैठेंगी 9,003 की। लॉयल्टी कार्ड आपको पड़ेगा 885 रुपये का। दोस्तों ये है इसके ऑप्शनल पैकेज। अब बात करेंगे वीडियो के अंत में फाइनेंस के बारे में। तो मान लीजिए अगर आप इसकी 2 लाख की एक मोटी मोटी डाउन पेमेंट करते हैं तब आपका लोन अमाउंट निकल के आता है 6,35,760 रुपये का। और दोस्तों ब्याज दर लोन पर यानी कि इंटरेस्ट रेट 7% लगाने पर दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी कम ब्याज दर पर कार लोन फाइनेंस कर रहा है इस समय में। अगर आप इस बैंक से फाइनेंस करा लेते हैं तो आपको 7% की ब्याज लग जाएगी लोन पर, और लोन पर आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी 1500 रुपये। और मान लीजिए अगर आप इसको 5 साल 6 साल या 7 साल तक फाइनेंस कराते हैं इस लोन को, इस डाउन पेमेंट को करने के बाद, तो आपकी पर मंथ की किस्त बनती है अगर आप 7 साल का प्लान लेते हैं 9,595 रुपये। टोटल ब्याज बनता है 7 साल का 1,70,220 रुपये का। अगर आप लेते हैं 6 साल का प्लान तब आपकी पर मंथ की किस्त बनती है 10,839 रुपये, और ब्याज बनता है 6 साल का टोटल 1,44,648 रुपये का। अगर आप इसको 5 साल वाले प्लान के साथ खरीदते हैं तो आपकी पर मंथ की किस्त बनती है 12,588 की। टोटल ब्याज बनता है 5 साल का 1,19,520 रुपये का। दोस्तों यह है इसकी फाइनेंस की डिटेल। सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है यह है हरियाणा के गुड़गांव सिटी की। अगर आप कहीं अदर सिटी में रहते हैं तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसकी ज़्यादा भी डाउन पेमेंट करते हैं या कम करते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट जरूर करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।